लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने कल फोकल पॉइंट के एरिया में सल्फर फैक्ट्री के इलाके में जाकर के छापामारी करी थी कि वहाँ पे एक गैंग व्यूहबंदी कर रहा है जो कि डाके वगैरह और क्राइम्स में इन्वॉल्व है। उस छापामारी के ऊपर हमने 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था, 2 लोग फरार हो गए थे। इसमें एक अनिक लाल करके एक व्यक्ति है जो कि बंगाल का रहने वाला है, उत्तरी दिनाजपुर का। उसके पास जो है हम लोगों को ये पता चला है कि वो पहले भी क्राइम में इन्वॉल्व रहा है। उसके साथ में एक ऋषु और राजकुमार नाम के 2 शख्स और हमने पकड़े। इन लोगों से जो है कुल मिला करके 2 वेपन बरामद हुए हैं नजायज। इनमें एक 315 बोर का वेपन है जिसके साथ में 2 लाइव राउंड्स हैं, एक पिस्टल है 32 बोर का जिसके साथ 13 लाइव राउंड्स हैं। इसके अलावा इनसे 5 स्नैच करे हुए मोबाइल, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से स्नैचिंग की वारदात में स्नैच किए थे, 2 मोटरसाइकिल्स जो इन्होंने अपने जो करे हुए उनके ऊपर, एक में सानेवाल में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा पहले भी इनके साथ में कई वारदातें इन्होंने करी उसके खुलासे। तो जो मेन वारदात इसमें निकली है उसमें पता चला है कि एक फिनो बैंक की जो है इन्होंने डकैती करी थी, जिसमें कुल मिला के 6 लोग शामिल थे, और ये 5 के अलावा इसमें एक दीपक यादव करके, दीपक मेंटल एक शख्स जो शामिल था, वो पुलिस ने जो है इनको कलेक्शन वारंट पे दिल्ली से लाया हुआ था, वो ऑलरेडी हमारे पास में इन कस्टडी था। तो जो ओवरऑल टोटल 6 बंदे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से 2 लोगों को छोड़ करके 4 लोग अब हमने इसमें अरेस्ट कर लिए हैं फिनो बैंक केस में, जिसमें करीब 4,60,000 रुपये लूटे गए थे और इन लोगों से 50,000 रुपये कैश भी इसमें इमीडिएटली बरामद हुआ है। आगे जो फरार हुए हैं लोग उनको हम पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आपने बताया कुछ साल पहले गिल रोड पे एक डकैती हुई थी, तो उन्हें को लेकर उससे भी कोई बंदा जुड़ा? देखो, इसमें जो इनकी पूछताछ पे पता चला है कि जो अनिक लाल है, राहुल है, ये लोग पहले भी एक केस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, जो पिछले साल 327/2021 का केस था, जिसके अंदर की एक मनी एक्सचेंजर जो था इन्होंने लूटा था, और 2015 के अंदर इन्होंने एक मुथूट गोल्ड लोन कंपनी गिल रोड के ऊपर उसकी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने भारी मात्रा में गोल्ड लूट करके ले गए थे, और उसके बाद इन्होंने बांट लिया था और फिर अलग अलग हो गए, और बाद में मोस्टली लोग इसमें से ये लोग अरेस्ट भी हो गए थे।